मैं हम आज बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में, और इस बार का जो बिग बॉस है सेलिब्रिटीज से भरा हुआ है, और उसमें एक हैं इनकी चहेती गोपी बहू यानी कि देवोलीना, और हमारे साथ है रूपल मैम, जिन्हें आपने एस कोकिला और गोपी और कोकिला की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया है। तो आई एम श्योर कि देवोलीना से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आई एम श्योर आपको नहीं मालूम होगी वो आज हम रूपल मैम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सास बहुर बेटिया में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि देवोलीना बिग बॉस में आई हुई है। बिग बॉस मेरा चहेता प्रोग्राम है, और देवोलीना को देख कर तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत एक लंबी जर्नी रही है, और वाकई उनके साथ मुझे, मैंने कभी उनको मतलब अलग सोचा ही नहीं, जैसे कि वो किरदार में थी वैसी ही हमारी बॉन्डिंग थी। और गोपी वो को दिखाया था कि बहुत ही सरल, बहुत ही सादगी से भरी और बहुत ही निस्वार्थ, तो ये तीन गुण में से एक गुण देवोलीना के साथ मिलता है, वो है निस्वार्थ। देवोलीना हमेशा अपनी बात रखती थी, हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, और अगर उसे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल बात करती थी, बेबाक है वो। मतलब ये थोड़ा एक डिफरेंस है, गोपी बहू वॉज लाइक ऑलमोस्ट कि जो कोकिला कहेंगी वो ही करती थी, लेकिन देवोलीना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो लड़की ने अपनी ज़िंदगी में जो भी ऊंचाइयां छुई है वो अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत से छुई है। क्योंकि मुझे पता है कि जब वो शुरू में गोपी बनकर आई थी तो उनकी मैंने लगन और मेहनत देखी है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को उस किरदार में ढाला, क्योंकि ये सब तो जानते ही हैं कि एक उनकी यात्रा एज अ गोपी बीच से शुरू हुई थी, तो शुरू से वो नहीं थी, तो उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर है उनमें उनको ढलना था, तो उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की और बिल्कुल उस किरदार को बखूबी निभाया, और इसीलिए तो आज हमेशा कोकी और गोपी की जोड़ी को बहुत प्यार मिला है और याद भी करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि देवोलीना अंदर गई हुई है और वो बिल्कुल जीत कर आएंगे। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद गोपी और देवोलीना के साथ है। वैसे अभी हम घर के अंदर बात करें तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं देवो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, या फिर किसी बात पे ऐसा होता है कि मतलब बोला है बट लोगों को कुछ और गलत लग रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि देवो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड है, नहीं है, कैसी है? यही एक कहना है कि देवोलीना यंग है, और आप सब यंगस्टर्स में संयम की थोड़ी कमी होती है, और एक ऐसी लड़की देवोलीना जिन्होंने ज़िंदगी में, मैंने कहा कि सब कुछ खुद से हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत होता है या कहीं उनके मन के लायक नहीं होता है तो बिल्कुल वो अपनी बात रखती है, और मैंने हमेशा ये उनको देखा है कि वो यंग है, वो थोड़ी पेशेंस की कमी है, इसीलिए वो अपनी बात तुरंत रख देती है। अब हम बड़े हैं तो हम थोड़े संयम से पेश आते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल ही मुँह फट है या बिल्कुल बदतमीज़ है, क्योंकि उन्होंने, मैंने उनको सेट पर देखा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, ना मेरे साथ ना किसी के साथ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि देवो इतनी गुस्से में आ गई है कि उसने कुछ एक दो शब्द ऐसे बोल दिए जो शायद नहीं कहने थे, तो आई एम श्योर कि मुझे लगता है अगर देवो ने ऐसा कुछ किया है तो वो इतनी बेबाक लड़की है कि अगर उन्हें लगा है कि उन्होंने गड़बड़ की है या उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, इमीडिएटली शी विल से सॉरी, बिकॉज उनमें ईगो नहीं है, उनमें एक सच्चाई के लिए अपनी बात रखने की एक धगस है और एक पैशन है, तो वो अगर उनको महसूस हुआ कि उन्होंने गड़बड़ किया, आई एम 101% श्योर। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब ये बातें निकली थी और जब लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया था तो उन्होंने सॉरी कहा भी था उनको। मैं जानती हूँ, और मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि हमारी देवोलीना जीते, क्योंकि उनमें वो सारे गुण हैं। क्यों ना आप सारे दर्शकों को एस कोकिला अपनी गोपी बहू के लिए कि वो उन्हें सपोर्ट करे थोड़ा मैसेज दे दीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्ण, आप सभी को मैं कृष्ण भगवान का वास्ता देकर ये आग्रह करती हूँ कि मेरी गोपी बहू को आप ज़रूर जिताएं, बहुवज प्रेमाड़ छे, बहुत सरस छे, प्लीज़ वोट फॉर आवर देवोलीना। तो चलिए देवोलीना को आप देखते रहिए बिग बॉस में, और इसी तरह आपको हम मिलवाते रहेंगे उनसे जो जुड़े हैं उन किरदारों से जो बिग बॉस के घर में हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं, मुंबई आज तक।